दोस्तों, राधा की मां कीर्ति ने जब भगवान कन्हैया हाथ में देखो तो कहिए लला आओ कन्हैया। कि आदर से जकीरती ने गोद में बैठा लो राधा की मां कीर्ति ने भगवान कन्हैया को गोद में बैठा रहा है दोस्तों। और बड़े प्यार से गिरधारी को भोजन कराया भोजन कराया है कीर्ति ने श्याम सुंदर का। भगवान कन्हैया से कीर्ति ने कहा है बेटा शाम होने के लिए जा रही है माँ यशोदा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और लला झुकाऊ और को घर नाए कन्हैया तुम्हारो ही घर हुए कल फिर चले आइयो। राधा ऐसो करो कन्हैया कछ दूर तक पनाते। राधा जब कान लगी मैया चले जाए श्याम हम का अपना रहे। कन्हैया कान लगे राधा हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए चले आए और तुम हमें अपने दरवाजे तक नहीं छोड़ोगे। राधा कहने लगी श्याम तुम कहा तो चलो। जब राधा श्याम सुंदर को जब दरवाजे तक छोड़ करके वापस लौटने लगी हैं तो कन्हैया ने जवाब दिया है राधा हम भला रास्ता ना जानते अपने घर की। ऐसो करो तुम हमें हमारे घर तक छोड़ दे और उत से हम तुम्हें छोड़े हुए चले जाएंगे। तो राधा ने जवाब दो है कन्हैया क्या पूरी रात यही नाटक करते रहोगे कृष्ण सोगे नहीं। श्याम सुंदर कहने लगे हैं राधा ठीक है अगर आप कहती हो तो हम चले जाते हैं। जब श्याम सुंदर मुस्कुरा करके जब चलने लगे हैं तो राधा ने जवाब दिया है कन्हैया कहीं एकांत में दर्शन दे दिया करो जो तुम्हारी इस मोहिनी मूरत को देख करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करें श्याम। ये बात कहने के बाद में जब राधा लौट के वापस घर में चलने लगी है तो श्याम सुंदर वहां खड़े के खड़े रह गए दोस्तों कि राधा चली बरसान और श्याम सकी लो राधा चली बरसाल कन्हैया से सकी लग रो राधा राधा जो थी वो
अपने घर चली आई श्याम सुंदर जाकर के यशोदा मैया के आंगन में रात भर विश्राम किया है। सवेरा हुआ सोचने लगे चलो राधा से मिलने के लिए फिर चलते हैं। अब सोचने लगे राधा के घर नहीं जाएंगे, वहां जाएंगे जहां राधा खरक में गाय दोहे के ले आती है। दोस्तों जब श्याम सुंदर वहां पर पहुंचे लेकिन श्याम ने देखा वहां कि राधा से पहले कि अरे सब सखियां बहाजुरी आई, अरे सब सखियां बहाजुरी आई और कछु चाल समझ न पाई। मोहन की करी है बढ़ाई आपस में दे नहीं बतलाई, सहेलियां जो थी ललिता विशाखा शीला साधना और वसी कृपला मंजू जैसे सहेलियां जब घुसी आई खरक में, अब इन्हें श्याम की बातें करना शुरू कर दिया। श्याम सुंदर भाई खरक में बैठे थे, उन्हें क्या पता था कि योगी राज यही है। लेकिन हुआ ऐसा दोस्तों, एक बोली है सहेली हमने श्याम को कल देखो तो बोली तूने कल देखो तो कहां देखो तो विशाखा बोली चुप रहो करो जब तो ऐसे ही बातें करते रहते जन कल श्याम को देखो जब रोज ही देखते जन कटी की बात हमें बुखार और चढ़ जा तो लो बस ने जवाब दो है गुइया जाने देखो है ना देखो है। लेकिन तुम्हें एक बात हम बताए बोली कहो तुम बताओ बोली है समझा है कि कल संध्या से लेके भोर तलक और ललिता कान लगी चुप रहो कर तू नहीं श्याम के लिए माखन जमाओ तो और कौन जमाओ ही ना है तो बोले हाँ जब सहेलियां जो थी वे आपस में ऐसे बातचीत कर रही थी दोस्तों तब तक सबकी नजर एक नई बहुए पर परी जगो कल ही कल गोनू बहुत दोस्तों पर चुपचाप बैठी थी। ललिता कहने लगी तुम सहेली काहे को चुप्पा बैठी हो तुम्हारे ना श्याम को देखो तो मैं कोई नहीं मात भाई बोली कि सहेली देखो था तो मैंने लेकिन कहा बताए नेक ही नेक देख पाओ। कहने लगी तू ऐसी का किसा नहीं कत्ता रही जो तूने नेक ही नेक देख पाए तब समझाए के बोली गाय कोई जो नई बहू थी मैंने कही सहेली जो हमारे मुख के ऊपर ये चूंदर पड़ी है जब बैरन बनी गई और मैंने समझाए के कही कि बैरन गई बोली कि बैरन गई चुनरिया ना देख सकी ललिता कान लगी जा चुनरिया बोले कि वो फेंक देती कन्हैया जरूर देख में तो बोली कहा बताए हटा भी हती चुनरिया लेकिन जो कहीं ना जात सहेली
जैसे तैसे मिले चुनरिया हटाई बोली जैसे तैसे मैंने चुनरिया हटाई ताला और ताला ताला कड़ी गौश्याम समरिया न देख सकी पैर न हुई गई चुनरिया न देख सकी कन्हैया आगे बढ़े गए बोली आगे बढ़े गए फिर कहा तो बोली जो हमारे द्वारे की कमरिया आती वह लुढ़क गई तो कान लगी कमरिया खोल के देख लेती तब बोली सहेली सुनो जाला भज के मन कमरिया खोली जाला ताला 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 कढ़ी गए श्याम सवरिया ला देख सकी पैर लोई गई तुमरिया ना देख सकी ए! तब तक जो हती नजर ललिता की सामने गई सामने से देखो है तो एक बोली सहेली राधा रानी आ रही बोली चुप रहो करो ये अरे की दीवानी आ रही है राधा खरक में ना घुस पाई तो लो रास्ते में घेर लो जाएगी अब ललिता ने समझाए के कहिए के बहन राधा जत समय मालम है कि आज ना कल तेरे उनके संग फेरे हुए हैं हम नाच कूद दूर हुए हैं तू उनकी भी तेरे हुए हैं जत सब खैर मालम है लेकिन सहेली हमें जब बता दे कन्हैया कौन सी संदूक हम बंद करके धल लो राधा राधा ने जब ललिता के ऐसे वचन सुने हैं तो ललिता के प्रश्नों का जवाब देने लगी है राधा बोली है बहन ललिता तुम जो ये बात शादी विवाह की कर रही हो हमारा तो खैर वो भाव नहीं है लेकिन आज हम तुम्हें जरूर बताएंगे तो राधा ने जवाब दिया है ललिता के प्रश्नों का दोस्तों ललिता विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं वो तो व्यापार कहता है ललिता विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं हुआ करता है वो तो एक व्यापार हुआ करता है जो स्त्री और पुरुष का देहिक संबंध होने के बाद में वो भाव भाव नहीं रहता है अभाव में बह जाता है ललिता कि विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं वो तो व्यापार कहता है अथवा उल बिसियो जीवो का बिसियो तक काही नाता मेरा वो भाव नहीं है ललिता
और तुमने जो बात कही है कि मैंने कन्हैया को संदूक में बंद करके धर लो, तो बाबा दूसरी है। सुनो, भगवान तुम्हें कहां मिलेंगे? ललिता बोली, बताओ कहां मिलेंगे? तो समझाए कि राधा बोली है, भगवान सदा भक्तों के बस में हुआ करते हैं ललिता। और सुनो कि कीर्तन जिनका होता होगा, हर होगी ना कपट की चालीसा। भगवान के भक्त उनके लिए प्रेम से परोसा हुआ थाल रखे होंगे, भगवान वहां मिलेंगे जहां भगवान के भक्त उनके लिए नृत्य कर रहे होंगे। और सुनो ललिता, बस में हुआ करते हैं ललिता, श्याम सुंदर अपने भक्तों के पास मिलेंगे तुम्हें। ये जवाब देने के बाद में जो राधा सभी सहेलियों को वहीं पे छोड़ती हैं और खरक में अंदर घुस जाती। जैसे ही राधा खरक में घुसी, कन्हैया आए के सामने खड़े हो गए, कहने लगे, राधा तुमने ललिता के प्रश्नों का जवाब बहुत सुंदर दिया, हम तो तुम्हें साधारण स्त्री समझता था, मगर तुम तो बुद्धि में बहुत आगे निकली। ये बात कहने के बाद में जब योगी राज कृष्ण जब मुस्कुरा जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना राधा कितनी बड़ी भक्ति थी जो श्याम सुंदर के मुस्कुराते हुए चेहरे को अपने जहन में बसा लेती है। अब मन में यही ख्याल आता है कि अब श्याम सुंदर के इस चेहरे को निहार करके कोई दूसरा चेहरा नहीं निहारूंगी। जब श्याम सुंदर का चेहरा निहारने के बाद में और राधा बेहोशी होकर के खरक में गिर पड़ी, अब कन्हैया सोचने लगे, झुका भव
खैर क्षमा करना, हम जरा लास्ट में लेकर के चल रहे हैं आपको। जब श्याम सुंदर ने राधा के पास आए के, जब ललिता बुलाए लाई और राधा के पास आए के जब मंत्र पढ़वो चालू करे हैं, तो दोस्तों अब कन्हैया कान लगे, ललिता हमें जो मंत्र पढ़त सुनतो है वो आंखें वो कानों से बहरा हो जाता है, और हमें जो मंत्र पढ़त देखत हो वो आंखें से हीन हो जाता है, ऐसो करो तुम हट जाओ यहां से। ललिता कान लगी, हम चाहे कानन से बहरे हो जाए आंखें से अंधे हो जाए, लेकिन हमें यहां से हटे है ना, तुम कहो का कहो। अब श्याम सुंदर सोचन लगे, हम तो कुछ जानता हूं ना भला, अब कहें तो कहें का योगेंद्र भाई। अब श्याम सुंदर मंत्र पढ़ने लगे है कि काली काली दादा ताली प्याली में चढ़ाऊ तो पीलो हरो उधरिया गठूरो गाठू जड़ा में तो काले ने खाया कालोई जाने अमन है जाने तो उठी के बैठो विशियर मेरे काय को रहे हो तुम सोए जब श्याम सुंदर ने कहा है राधा, राधा ने जैसे ही कन्हैया की आवाज सुनी एकदम से उठने के लिए भाई कन्हैया कान लगे धरी रहो चुप्पा कायले पोल पट्टी खुलवायो हमारी। कन्हैया ने थोड़ी देर बाद कहा है राधा उठ के बैठो, राधा जो थी उठ के बैठी। श्याम सुंदर कान लगे राधा जब बताओ अब कोई तकलीफ तो ना है तुम्हें। राधा कहने लगी हमसे क्या पूछते हो खुद ही जानो तकलीफ है कि नहीं है। कन्हैया कहने लगे थे जब बता कहूं दर्द दर्द तो ना हो रहा है सो हमें बता दे। राधा कहने लगी खुद ही जानो हमारे दर्द कहूं हो रहा हो कि ना हो रहा है। दोस्तों की हर ने पूछा कैसी हालत तो बिटिया बोली तुम्हें ने पूछा इसका मतलब हरि ने पूछा इसका मतलब राधा ने जवाब दिया है तुम खुद ही जानो कहूं दर्द हो रहो है कि ना हो रहो। कन्हैया कान लगे राधा हमें एक बात बताओ अगर हमें तो नाटक ना करबो जान तो होते तो आज तो हमारी पोल पट्टी खुल जाती, तुमने इतने ढोंग जे कायल करे हमें आज तो मरवाए देती। राधा कहने लगी श्याम जब हम तुम्हारी मोहिनी मूरत अपने दिल में बसा सकती हूँ तुम्हारे प्रति में इतने जोखिम उठा सकती हूँ तो तुम क्या हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। कन्हैया बोले राधा हम इस संसार में रहें चाहे चले जाएं, मगर तुम्हारे दिल से मेरी मोहिनी मूरत कभी नहीं जाएगी। ये वचन कहने के बाद में श्याम सुंदर बोले हैं राधा कि आत्म का संबंध या प्रेम हमारा तुमसे कभी न लाना।
जगत में नाम कमाया है। धनी धनी राधे का सीता